हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम 2023 में हम एक बेहतर ट्रेडर कैसे बन पाएं। जी हाँ, देखिए ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना होता है और आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कैसे हम 2023 को एक प्रॉफिटेबल ईयर बना सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो मैंने अपना पहला रूल रखा है 2023 का, वो ये है कि मैं कोई भी ट्रेड लूंगा उसके पीछे मेरा एक प्रॉपर प्लान होगा। मतलब जब मैं कोई भी एंट्री लूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, मेरा टारगेट क्या होने वाला है और मैं उसको ट्रेल कैसे करने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली अपने प्लेटफॉर्म, जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि ग्रो, मैं वहाँ पर अंदर ऑलरेडी फीड करके रखूंगा। काफ़ी बार मैंने देखा है कि मेरे को मन में लगता है कि मैंने स्टॉप लॉस सोचा हुआ है, बट जब वो प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के पास आता है तब मैं, क्योंकि मैंने मन में रखा है, मैं वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होने देता हूँ और काफ़ी बार उसकी वजह से मेरे को बड़े लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए आज का जो मेरा फर्स्ट प्लान होने वाला है 2023 का, वो यही है कि जो भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ होएगा और उसमें मुझे क्वांटिटी, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ पता होगा। जो दूसरा मेरा प्लान है 2023 को प्रॉफिटेबल बनाने का, वो ये है कि मैं ट्रेडिंग को एक हॉबी की तरह नहीं लेकर एक बिजनेस की तरह लूंगा। अब कोई भी अगर आप बिजनेस की बात करें उसमें जो अच्छा रिटर्न माना जाता है वो 20% या 25% अगर साल का रिटर्न आ जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। बट काफ़ी बार मैंने देखा कि अगर जब मैं शुरुआत मैंने ट्रेडिंग की करी थी तब मैं उस समय रिटर्न्स की 100% की उम्मीद रखता था साल में। बट देखिए, अगर हम ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मानेंगे तो हमारे को पता होगा कि इस तरह के रिटर्न्स आना बहुत टफ है और अगर हम इस तरह के रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो हमारे लॉस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी हाँ, 2023 का मेरा सेकेंड प्लान यही होने वाला है कि मैं उसको एज अ हॉबी नहीं, एज अ बिजनेस लेने वाला हूँ और जो एक अच्छा बिजनेस रिटर्न देता है 20-25%, उस तरह के रिटर्न में मैं खुश हूँ। जो मेरा नेक्स्ट प्लान होने वाला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले प्लान वाला ही, कि इस बार मैं 2023 में जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि जो मेरा कैपिटल है उसको प्रोटेक्शन मिले। जी हाँ, मतलब अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट डे अपनी ट्रेडिंग शुरू करी और मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं आज केवल इतने नंबर ऑफ ट्रेड लूंगा, मान ली 5 ही ट्रेड लूंगा 6 ही ट्रेड लूंगा, तो उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। या फिर अगर मैंने माना हुआ है कि मैं पर ट्रेड 0.5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता तो मैं वहां पर 0.5% से ज़्यादा का बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। अगर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल भी रहा है जहां पर 0.5% से ज़्यादा का मेरे का स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं करेक्ट पोजिशन साइजिंग करके अपना जो ट्रेड है वो सही लूंगा। और फाइनली मैं ये भी अपना रखूंगा ध्यान कि मेरा जो एक दिन में मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो मेरा 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सारी चीज़ें मैं लगाता हूँ तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो मेरा कैपिटल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट आने के चांसेस मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथी चीज़ जो मैंने सोची है 2023 को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो ये है कि मैं काफ़ी ट्रेड्स लिमिट ऑर्डर पे लूँगा। जी हाँ, काफ़ी बार मैंने देखा है कि अगर मैं मार्केट पे ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे स्लिपेज बहुत ज़्यादा आती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं काफ़ी ट्रेड स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे लेने वाला हूँ जहाँ पे ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस सेम होने वाला है। बट मुझे पता है कि अगर ऐसा करेंगे हम हर बार तो काफ़ी बार हो सकता है कि हमारा जो प्राइस है वो स्किप कर जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी भी हम अपना ऑर्डर कोई स्टॉप लॉस लिमिट या लिमिट पे डालते हैं तो हमें हमेशा स्क्रीन के सामने पता बैठा होना चाहिए और जैसे ही हमारा ट्रेड ट्रिगर हो और अगर वो हमारा ट्रिगर होने से बच जाता है, मतलब हमारा ऑर्डर ओपन रह जाता है, तो हमें बहुत जल्दी से उसको मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि हमारे 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड हमारे लिमिट में लग जाए और 2 ट्रेड में हमें मार्केट ऑर्डर में शिफ्ट करना पड़े। बट ओवरऑल मैंने देखा कि ऐसे करके जो मेरा टोटल स्लिपेज कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा प्लान में है कि मैं कैसे इस साल और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, वो ये है कि मैं कोई भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मतलब मैं उतने ही पैसे से ट्रेडिंग करूँगा जितना मुझे पता है कि मैं लूज कर सकता हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए मेरे पास, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपये हैं बट मैं उसमें से लूज केवल 10,000 रुपये ही कर सकता हूँ तो मैं 10,000 रुपये से ही ट्रेडिंग करूँगा। मतलब बेसिकली मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में उतना मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मेरा ये लूज हो भी जाता है तो भी मुझे कोई इतना ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने काफ़ी बार देखा अगर हम इस मेंटालिटी से जाते हैं मार्केट में तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो अपने ऊपर नहीं आने देते। बट अगर आप माने कि आपके पास एक प्रेशर है कि नहीं मैंने जो कैपिटल से ट्रेड करा है वो अगर मेरा लूज हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है और उसकी वजह से हम काफ़ी गलत ट्रेड भी ले सकते हैं और हमारे को ईगो ट्रेडिंग भी हो जाता है और काफ़ी बार हम रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है उसके साथ नहीं जाती और हमारे को लॉसेस करवा देती है। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेटली कि मैं कोई भी लोन लेके या उतना ही रिस्क लेने वाला हूँ जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लूज करने का। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा,
वो ये है कि मैं मार्केट का और भी अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं अलग अलग चैनल से और भी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रो के चैनल से काफ़ी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। हमने ग्रो पे ऑलमोस्ट 500 वीडियो डाल दी हैं एंड हमने हर तरह की वीडियो डाली है, इंट्राडे, पोजिशनल, अलग अलग स्ट्रैटेजीज डाली है हमने, अलग अलग हमने ये भी डाला है कि कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ते हैं, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल हमने सब कुछ डाला है। एंड मेरा खुद का भी यही मानना है कि शेयर मार्केट एक बहुत इवॉल्विंग बिजनेस है और इसमें हम जितना सीखे उतना कम है। तो नेक्स्ट काम मेरा जरूर यही होगा कि मैं इस साल कुछ ना कुछ नया सीखूं। 2023 को और भी प्रॉफिटेबल करने के लिए मैंने एक चीज और सोची है कि मैं अब जो ट्रेडिंग करूंगा उसमें कुछ पार्ट मेरा फैक्ट्स के बेसिस पर या एल्गो ट्रेडिंग के बेसिस पर होगा। मतलब अगर हमने देखा है कि पिछले 10 साल में कोई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम कर रही है तो मैं थोड़ा सा पैसा उस स्ट्रैटेजी में निवेश करना चाहूंगा, बिकॉज चांसेस हैं कि वो आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। तो मैं कोई ना कोई एक बेसिक हिस्टोरिकल फैक्ट ले रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहा हूँ और उसी में अपना पैसा निवेश करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं जो अपनी ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ वो थोड़ी मिक्स एंड मैच होगी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को प्रॉफिटेबल होने में कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग कब रोकनी है। देखिए हम सब लोग आज जनवरी में हैं और सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि हाँ हमारा 2023 ट्रेडिंग करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, बट देखिए हमेशा जरूरी नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। हो सकता है कि हमारा कोई महीना लॉस मेकिंग महीना निकले, तब हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें ट्रेडिंग उस समय रोक देनी है, शायद केवल एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिए, ताकि जो हमने गलतियां करी वो फिर से ना करें और दो हफ्ते के बाद वापस एनर्जेटिक होकर हम वापस मार्केट में आ सकते हैं और फिर एक प्रॉफिट होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम एक सीरीज ऑफ लॉसेस कर रहे हैं तो हम थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग रोक सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि जिस तरीके हम ट्रेडिंग करते हैं उस तरह का मार्केट अभी नहीं है। बट देखिए मार्केट चेंज जल्दी होता ही है एंड अगर हम एक दो हफ्ते की छुट्टी ले भी लेते हैं और अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं तब हम फिर से आकर मार्केट से फिर से पैसा कमा सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी है जिससे मेरी ट्रेडिंग काफी बेटर हो सकती है वो ये कि दूसरों के प्रॉफिट्स या लॉसेस के बेस्ड पे मैं अपनी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैंने काफी बार देखा है कि अगर मैं दूसरों को देखता हूं कि बहुत ज्यादा वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी वो कमा सकता हूं और मैं ट्रेडिंग बहुत अग्रेसिव कर देता हूं। काफी बार मैं वो ट्रेड लेता हूं जो मैं जनरली नहीं लेता या फिर मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा देता हूं। ये काफी बार मैंने देखा कि गलत ही हो जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा प्रॉफिट आने भी वाला होता है तो वो भी मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। 2023 में मैं डेफिनेटली ये वाली गलती तो नहीं करने वाला कि मैं दूसरों के प्रॉफिट से जेलस होकर या ईगो में लेकर ट्रेड करूंगा। मैं केवल अपने ट्रेडिंग प्लान के बेसिस पर ट्रेड करने वाला हूं और जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बोलता है मैं केवल उसी की तरह से ट्रेड करूंगा। 2023 को और भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक जो मेरा सबसे बेस्ट नुस्खा है वो ये है टू कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। अब ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? ट्रेडिंग जर्नल में हम जितने भी हम ट्रेड लेते हैं, चाहे वो हमारा इंट्राडे ट्रेड हो चाहे हमारा पोजिशनल ट्रेड हो, हम सारे ट्रेड्स को लॉक करते हैं। उसमें हमारा डेट होती है, हमारा टाइम होता है, व्हाट इज द बाइंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, हमने जब बाय किया था तो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस क्या था और हमारा इनिशियल टारगेट क्या था और कैसे कैसे अगर हमने टारगेट को चेंज किया या अगर हमने स्टॉप लॉस को चेंज किया या ट्रेल किया, वो सारी ही डिटेल हमने इस ट्रेलिंग जर्नल में डालते हैं और हम फिर फाइनली अपना एग्जिट प्राइस देखते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें दो चीजें और लिखते हैं कि हमने ये ट्रेड किस बेसिस पे लिया, मतलब इस ट्रेड में आने के हमारा क्या रीजनिंग था और क्या मैंने ये ट्रेड सही लिया कि नहीं लिया, मतलब क्या गलती करी मैंने इस ट्रेड में लेकर। इतनी सारी चीजें डालने में जी हाँ आपको 3 से 4 मिनट जरूर लग जाएंगे पर ट्रेड, बट आप देखेंगे कि आप एक महीने तक अगर ये करते हैं और एक महीने के बाद अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां आपकी गलतियां हो रही हैं वो 99% आप अपने आप ही अपने एंड पर उसको सुधार सकते हैं। एंड ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपको पता हो कि आप क्या गलती कर रहे हो ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इनफैक्ट हमने एक ट्रेडिंग जर्नल पे वीडियो भी डाली हुई है, तो आप वो वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छे से एग्जाम्पल पता चल जाए कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। एंड मेरा आज का लास्ट आपके लिए जो टिप है फॉर मेकिंग 2023 अ ब्लॉकबस्टर ईयर वो ये है कि आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स वी शुड लेट अस रिलैक्स आवरसेल्व्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए हम 9:30 से या फिर 9 बजे से 3:30 तक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और अगर हम 3:30 के बाद भी मार्केट्स के बारे में सोचते रहते हैं तो ट्रेडिंग करना बहुत टफ रह जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 3:30 के बाद मार्केट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, इनफैक्ट मैं वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे पसंद है। तो आप भी वो चीजें करें आफ्टर मार्केटर्स ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सके, रिजुविनेट हो सके और अगले दिन आकर फिर से एनर्जेटिकली और एक्टिव होकर आप ट्रेड कर सकें।
अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। मे बी आपको योगा पसंद हो, मे बी आपको जिम करना पसंद हो, मे बी आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो, मे बी आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ घूमना पसंद हो। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप मार्केट से थोड़ा बाहर जाने ताकि हम नेक्स्ट डे आके फिर से अपना 100% दे पाएं। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जिससे आप और मैं दोनों ही 2023 को बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल ईयर बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया, मेक श्योर दैट यू कॉमेंट बिलो एंड लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.